तोपाबाजी में कौन से धूर्त से दक्षिणा लेकर आए हैं आप? अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं बिना उसकी मर्जी जाने? घर की लक्ष्मी होती है बेटी, आपको बोझ लग रही है वो, आपको शर्म आता है? और हम भी हम तोपा हैं जो हम एक एक, एक भैरे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, जिसकी आंखों में काला पट्टा चढ़ा हुआ है बेशर्मी का, और जिसके दिमाग में ना सिर्फ दकियानुसी सोच है, उसको क्या समझाएंगे हम? उसको क्या समझ में आएगा? छोड़ो अम्मा, तुम सुनो, तुम चलो हमारे साथ, हम भी देखते हैं तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से कौन रोकता है। चलो नहीं नहीं सपना, तुम डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। करिश्मा सिंह ने तुम्हारा हाथ थामा है, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी तब तक हम ये साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं मैडम जी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने अपने पापा मम्मी को बहुत दुख पहुंचाया है, अब और नहीं। सुकुमार बहुत अच्छा लड़का है और हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। नहीं सपना, ये अंधा प्रेम के चश्मा से नहीं, सही और गलत की दूरबीन लगा के तुम देखो। जज्बाती होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारा सपना ज्यादा बड़ा है, तुम समझ रही हो? अपने दिमाग से काम लो, अपने दिल से काम मत लो। अमा और तुम इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, तुमको इतना समझ में नहीं आता कि एक लड़की अपने सपने को दरिए में भागकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार होती है? क्या नामर्द हो जाओगे क्या 2-4 साल बाद, जो शादी नहीं कर पाओगे? हां यू आर राइट, आई लाइक सपना और मैं भी चाहता हूँ कि उसके सपने पूरे हों। इस पुलिस वाली के बहकाव में आकर अगर हमसे बगावत किए ना बेटा, तो याद रखना हमारा मरा मुंह देखोगे। और हाँ, अगर परसों तक सपना से शादी नहीं की ना, तो समझ लेना फिर कभी नहीं होगी। सॉरी डैड। और आप मैडम, 4 किताबें कानून की क्या पढ़ लिया आपने? लगी हमें उल्टा पाठ पढ़ाने? आपने पढ़ा नहीं है क्या? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब? शादी तो तय है ना, तो फिर कभी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपके आंखों के एकदम सामने आपको दिख का ही नहीं रहा है, फर्क ये है सपना, उसके सपने, वो आगे बढ़ना चाहती है अपनी जिंदगी में, आप लोग उसका भी शादी करा के उसको घर में बिठा देंगे। अम्मा उसको उसका फैसला करने दीजिए ना, उसकी जिंदगी का, उसका जिंदगी है ना वो। फैसला काहे का फैसला, क्या करेगी पढ़ाई लिखाई करके? हाँ करियर बनाएगी, नौकरी करेगी? हमें नहीं करवाना मैडम, हमारे घर की बहू बेटियां शादी ब्याह के बाद नौकरी नहीं करती। मेरा बेटा इंजीनियर है, सक्षम है, और वैसे भी शादी के बाद लड़की की जिंदगी मायके से चल के ससुराल ही पहुंचती है ना, और जितना है सपने में कमाने की नहीं सोच सकती ना, उतना मेरा बेटा 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा है ना चाचा कि अपना पैसा तो आप रखिए अपनी जेब में। मैडम प्लीज, अंकल बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, जब मुझे शादी करनी है तो इतने नखरे क्यों करना? पापा मम्मी, मैं अपनी मर्जी से सुकुमार के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सपना हमारा बात, मैडम प्लीज प्लीज आप चले जाइए प्लीज। अब मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। नहीं, पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? हमारा सर है कोई गेहूं का आटा थोड़ी ना जो आप घूटने आ गई हैं। वैसे भी आप हमारी जूनियर हैं, हम आपके सीनियर हैं, हमने थोड़ी ना आपको भाड़े पे रखा अपनी सेवा कराने के लिए। जूनियर नहीं, सीनियर बनके आपकी सेवा कर रहे हैं हम। अच्छा, रातों रात ऐसा कौन सा एग्जाम दे दिया आपने कि आप जूनियर से जो है एकदम सीनियर बन गई हैं? देखिए ड्यूटी पर हम आपके जूनियर सही, मगर घर पर तो सीनियर है ना, हम आपकी सास है। अब ज्यादा बोलिए मत। नहीं नहीं ठीक है सच, हम कह रहे हैं ना आपसे, आंखें बंद कीजिए, देखिए कैसे चुटकियों में आपके सर का दर्द हम गायब कर देते हैं। धन्यवाद पुष्पा जी, ये मेहरबानी आपका याद रखेंगे हम। हमारी भाषा में इसे प्यार कहते हैं, और प्यार जो होता है ना वो याद नहीं रखा जाता, उसे महसूस किया जाता है। हमने बहुत गलत किया है सपना के साथ, सपना का सपना टूट गया है पुष्पा जी, हम आनंद फनन में गलत कदम उठाते रहे
और उसके भविष्य को रौंदते रहे। उसके सपने को आपने नहीं रौंदा, उसके घर वालों ने ही रौंदा है। चले उसकी डूबती नैया को आप तिनके का सहारा दे भी देती है, तो क्या आपको लगता है शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसको नौकरी करने की अनुमति दे देंगे? आप ज्यादा सोचिए मत, आराम कीजिए। नहीं, हमने गलत किया है, बहुत गिल्ट है, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ओहो, आप क्यों अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही है? हम डाल रहे हैं ना आपके दिमाग पर जोर। देखिए, चुटकियों में आपको कोई ना कोई अच्छा उपाय जरूर सूझेगा। अम्मा, क्या जबरदस्त आइडिया ने एंट्री मारा अभी हमारे दिमाग में। जब दूल्हे का ही टायर पंचर हो जाएगा तो वो शादी तक पहुंचेगा कैसे? धन्यवाद पुष्पा जी। वैसे क्या लगता है आपको, इस बार करिश्मा मैडम कौन सा प्लान वाला तिगड़म भिड़ाई होंगी? I don't know. करिश्मा मैडम मुझे अपने केस में इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करती because of ego issues. लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी और मेमोरी के हिसाब से उनके प्लान में कोई दम नहीं होगा। मैडम, ये बात हम संधू जी से पूछ रहे थे। Then you should be clear. मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आज मेरे बाप, क्या टाइम हुआ है? टाइम इज मनी बाबा, आई एम सो बिजी पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी भी नहीं आया। आया आया, बिल्कुल स्माइल रेडी। हेलो हेलो, मर गया मैं, क्या अंधे हो गए, कैसे गाड़ी चला दियो मारियो। Are you okay, man? I am okay, but you are not okay now. What? Hey, ये क्या निकला? Sorry. My mistake. One sec. कच्चक। चुप, बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल चुप किसे गाड़ी में बैठ जाओ। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? I am kidnapper. Hello. Okay, सब ठीक है. अपने अपने काम के लिए जाओ। निकलो. क्या करने आए हो? क्या कर रहे हैं? गीली मूंगफली बेचने आए हूँ। अभी किडनैपर हूँ, किडनैप ही करूंगा ना। चल गाड़ी में बैठ जाओ। बचाओ, ये मुझे किडनैप कर रहे हैं। चुप, बचाओ। एक सिविलियन को मेरी मदद की जरूरत है। नहीं, आपके कान बज रहे होंगे, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। एकदम सटीक विश्लेषण किए हैं आप संतु जी, हमको भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मैडम, आपका कान बज रहा है। मेरी सुनने की शक्ति आप लोगों से 100 गुना ज्यादा है। साउंड उधर से आ रहा है। इमरजेंसी मोड ऑन। चुप, नहीं तो इसे गलत चिकर दूंगा ना। बचाओ, निकलेगा नहीं, समझे? चुप। ये तो नल्ला निकला, चाकू दिखाने से बेहोश। ए, हेलो, तू किडनैप हो गया रे। अबे उठ जा। हे, पुलिस। बिल्लू जी, करिश्मा मैडम का प्लान है। अब मैं मीरा मैडम, चलिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। चलिए, कमांड डिनाइड। मैं आपका कमांड नहीं फॉलो कर सकती। मैडम, कमांड नहीं दे रहे हम, तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम चलिए, हो गया। डिनाइड। अरे, ये मरवाएंगी, करिश्मा मैडम को फोड़ा फटाफट वाटर देंगी। कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई कोर प्रोग्रामिंग, सिविलियन इमरजेंसी के टाइम पे किसी का भी कमांड मुझे मदद करने से नहीं रोक सकता। मीरा जी, I am Billy the spy, मीरा जी, Billy the spy. जानती हूँ, मैं आपको पहले ही स्कैन कर चुकी हूँ। Oh, naughty. But right now, you are a criminal. Criminal? मीरा जी, हमारा तय हुआ था ना ये प्लान, मीरा जी, आप समझ रहे ना? मैं क्या मीरा जी, खड़ा मुंह क्या देख रहे हैं, जाके हेल्प करना। संतु जी, हम चीता है, हम नॉर्मल गुंडा सबको पेल सकते हैं। मीरा मैडम ना हाथी है, हमारे से चार चीता हवा में उछाल देंगी, फिर ना तो हेड बचेगा ना टेल। मैं खुद ही करिश्मा मैडम को फोन लगाती हूँ। मीरा जी, हम आपके, आपको पता नहीं है क्या कर रहे हैं हम। करिश्मा मीरा जी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। मीरा जी छोड़ दीजिए। मीरा जी, ये बेहोश है। मीरा जी, हम भी बेहोश हो जाएंगे, तो बेहोश को कैसे संभालोगे आप? इस बार मर जाएगा बिलौटा। छोड़ दो मीरा जी, छोड़ दिया मीरा जी। क्या बना दिया? धनुष बाण।
हमने पहले ही कहा था ये टीन का डब्बा काम कम करता है और बचता ज्यादा है ना, मतलब जितने का दही नहीं उतने का तो रायता फैला दिया इन मैडम ने। जिस दिन हमारे दिमाग का बिजली खनकेगा ना, हम बता रहे हैं तुमको ट्रांसफार्मर से बांध के हम 440 वोल्ट का झटका दे देंगे, तुम्हारे कान में से धुआं निकाल देंगे हम, समझ रही हो? हाँ हाँ, फनी ह्यूमंस, आई कैन विदस्टैंड 440 वोल्ट्स, मेरे अंदर एक इनबिल्ट शॉक प्रूफ सिस्टम है। जैसे जैसे ताजमहल बनाने वालों के हाथ नहीं काट दिए गए थे, वैसे तुमको जिसने बनाना वो हमारे सामने आ गया ना, उसको हम आलू मूली और गाजर की तरह काट देंगे। और तुम वो नहीं कर सकती थी, इसको रोक नहीं सकती थी? कोशिश की थी मैडम, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और ये धनुष बन चुका था। नॉट पॉसिबल, सिविलियन इमरजेंसी के टाइम पे किसी का भी कमांड मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकता। अच्छा आप लोग ने मुझे बचा लिया, वरना किडने पर मुझे मार ही देता। टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ तुमको, ना ही कुछ होगा। हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे आप जेल में डालिए। वही तो रहता हूँ मैं। प्लीज मैम, मुझे बचा लीजिए इस किडनैपर से। अम्मा ये हमारा ही आदमी है, कुछ नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। कोई है यहाँ पर? कोई है? पापा, मुझे पापा के पास पुष्पा जी, संतू जी, तो तुम बाहर जाओ, उनको संभालो, देखो वो क्या कह रहे हैं। अरे मगर आपके दिमाग में प्लान क्या है वो तो बताइए। अरे आप सब ये चाहते हैं ना कि मैडम सर की गैरहाजिरी में हम जो केस है वो जज्बात से सॉल्व करें, तो हम वही कर रहे हैं। जाइए जाइए, आप जाइए जाइए। जी कहिए। मैडम देखिए ना, परसों हमारे बेटे की शादी है, लेकिन सुबह से उसका कोई पता नहीं है, गायब है वो। गायब है? हाँ। प्लीज मैडम, दामाद जी को ढूंढ लीजिएगा, मेरे बेटे के भाग्य का सवाल है। हाँ मैडम, जितना जल्दी हो उसको खोज लीजिए, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। यहाँ हमारे बेटे की जान को खतरा है और आपको शादी की पड़ी है। आपके बेटे को गायब हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, आप इतना कहाँ घबरा रहे, बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैडम क्या है ना, हमारा बेटा हमें बगैर बताए कहीं नहीं जाता, लेकिन सुबह से उसका फोन बंद है। हमें लगता ना वो ये जबरदस्ती वाला शादी करना ही नहीं चाहता है, हमें लग रहा है कि उसका वो हो गया है, क्या बोलते हैं, वो हृदय परिवर्तन हो गया और वो भाग गया है। हाँ। हाँ। मैडम ये सवाल जवाब करने का वक्त नहीं, आप कृपया करके हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, उनको खोजने का है एक उपाय हमारे पास। ठीक है, बताइए ना, बताइए क्या इलाज है उसके लिए, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। बस चिचा बस, ये क्या मजाक लगा कर रखा है, आप तो कह रही थी हमारे बेटे से मिलाएंगी, कहाँ है हमारा बेटा, दिख तो नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, आप पहले नीचे देखिए, अब भगवान को याद कीजिए, अब कूदी मार लीजिए। नहीं, आपका ये जज्बा वाला वीडियो जो है ना, हम वायरल कर देंगे, हर किसी को दिखा देंगे, आपका फटा हुआ चेहरा देख के ना आपका बेटा तुरंत आएगा। चलिए। क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं, मर जाएगा वो। बस चिचा बस, आप घबरा कहाँ रहे, रुकिए जरा। हाँ, ये जो कुछ भी कर रही है ना, आपके खानदान में जो बीमारी है ना, उसकी संजीवनी बूटी है। हाँ। मीरा जी, can you sit? No, I'm strong. वो तो मैंने देखा है मीरा जी, ये सीधा नहीं हो सकता कमान। हुँ? हो सकता है। करो। थैंक यू बोलू कि तुम्हारी मैया की सासू मैया बोलू। थैंक यू। ओ हे हे, I'm smart below the spy। मेरा जी बात पूछूं, आप दिन भर ये पुलिस की ड्यूटी करते रहते, बोर नहीं होते? चलो कभी चांदनी रात में सैर सपाटा करते आते। नो, मैं आपकी तरह निठली नहीं हूँ। मेरा जी ठंड के मौसम में ना गर्मी हो रही है। नो बिलू जी। भाई नो। Stupid humans. ना अजीब टोप आदमी है। अभी आप कह रहे थे कि आपके बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, आपने ही कहा था ना। अभी आप देखिए आपको कैसे आपका दिल, आपका हाथ कांप रहे हैं, ऐसे डर खा रहे हैं आप, अपने बेटे के लिए अपनी हड्डी नहीं तोड़वा सकते? हम क्या बात कर रहे हैं, चलिए। ये क्या करिए आप, क्या गारंटी है कि हड्डियां टूटेंगी, हम मर मर आ गए तो?
तो फिर शादी का खाना की जगह श्राद्ध का खाना खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो जरूर। नहीं मतलब वो आप ही का ही कबीर दास का वो चुराया दोहा है ना, वो कल करे सो आज कर, आज अभी अभी करते हैं। जब आपको कल वैसे भी मरना ही है तो फिर आज ही मर जाइए ना। नहीं पूरी बात बचाओ, सिविलियन नीड्स हेल्प, बचाओ, ये हमें मारना चाहती है, बचाओ। हम बस भविष्य और वर्तमान का फासला मिटा रहे हैं। जो होना है वो तो हो ही जाएगा ना, आगे भी होगा, अभी भी हो सकता है। दस, आप ऐसा नहीं कर सकती, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। हाँ देखिए आपके ऑफिसर ही बोल रही है, इट्स अगेंस्ट लॉ, आप ऐसा नहीं कर सकती, हमारे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपके ऊपर जबरदस्ती वाला बात आ रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है, आपका जैसे कांप रहे हैं आप, इतना डर गए हैं आप, और उसके साथ जो जबरदस्ती हो रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं पूछ रहा है। वो क्यों नहीं पूछ रहा है वो हम बताते हैं, वो काहे खुद पे नहीं आया ना अभी तक, वो उसी पे ही है, जिस पे बीतता है ना उसी को ही पता चलता है। खुद करे तो सीना तान और दूसरों को करवाओ गंगा स्नान। डैड, डैड क्या है? डैड आप वहां क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा मिल गया, बेटा बेटा बेटा। अरे अरे आराम से लेटे लेटे, अरे भाई लेटे लेटे, बहुत खाए सुकुमार, ये क्या हो गया? डैड डैड अभी खुले, डैड डैड अंकल, तुम जिंदा हैं? तो आपको क्या लगा नरक में ही यमराज का भैंसा टहल रहा है? अरे इधर देखकर आप अप्सरा का भी फील ले सकते हैं, जिंदा है आप। ए लिटल, आई एम यूनिक पीस, पर तुम जैसे डुप्लीकेट ना धरती पर रेंगते रहते हैं। अंकल आप चिल मारो, अब जिंदा हो, उठो, उठिए 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 उठिए, आइए आइए। ओय रे रे, ओय ओय, अरे यार इतने लोगों की सारी भीड़ जमा हुई है, बदनाम आया चाय लेकर, बदनामी स्पेशल, अरे कौन कौन पिएगा? अरे अभी मरते मरते बचे हैं, फिर से जहर पिला के मारने का ख्याल है तुम्हारा, हट पीछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद इनसे नहीं, सपना से कहिए। सपना ने आपकी जान बचाई है, वरना आपकी जान तो बहुत दूर जाने वाली थी। वही सपना जिसके सपनों को बेकार समझते हैं आप और पढ़ाई लिखाई को वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, उसी ने आज आपकी जान बचाई है और वो ही आगे जाके और भी लोगों की जान बचाएगी। डैड ये सब देखने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि हम सब कितने गलत थे, सपना की लाइफ की स्टीयरिंग हम अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? वो सपना देख भी सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है। मैं 3 साल जो क्या, सपना जैसी एम्बिशियस लड़की के लिए 30 साल का भी वेट कर सकता हूँ। आई एम सॉरी सपना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई मीन व्हेनेवर यू आर रेडी।
हमें क्षमा कर दीजिए अंकल, प्लीज इट्स ओके। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सपना हमारी बेटी है। चीचा, आप गर्व से तो पहले भी कह सकते थे, लेकिन क्या है कि आपकी आंख पर आपके खानदानी काई का ना मोटा परत चढ़ा हुआ था, जिसको करिश्मा मैडम पानी मार के हटा दिए। तो कहिए, एकदम नाच से कहिए कि आपकी बेटी है। आपने सिर्फ मेरे ही सपने को उड़ान नहीं दी है, बल्कि हर उस लड़की के सपने को उड़ान दी है जो मेरी तरह जिंदगी में खुद कुछ करना चाहती है। और आपने ये भी साबित कर दिया है कि किसी भी चीज को अगर मन से चाहो तो भगवान उसे पूरा करने में मदद करता है। गजब मैडम, इस बार तो आप बिना लात घूसा का इस्तेमाल किए इन लोगों के मन का जहर काटती। सैल्यूट है मैडम आपको। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आज आपने सपना की विश पूरी करके मेरी भी विश पूरी कर दी। लव यू। लव यू टू संतु। वाह करिश्मा जी, आपके अंदर भी आखिरकार एक छोटा सा कीड़ा है जज्बात का, हा? जो आपको कभी कभी काटता है और जज्बाती भी बना देता है। करिश्मा मैडम और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। एक सल्यूट तो बनता है।